इधर ले आ, ए बच्चा या ले आ भाई साहब, ठीक है ठीक है, वरना मारते थे। इसको और ऊपर रखा, और ऊपर हरे कृष्णा हरि बोल। बोले ओम ज्ञान तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधा करावचित वल्लभ वल्लरी के राधा पदांक विलस मधुर स्थली के राधाम जस मुखम खंगांग बली के राधा विहार विपिनी रमतांग मनो में। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके हरे कृष्णा। तो बढ़िया प्रसाद सवाल आए, भूख लग गया तुम टाइम जाइए। हरे राम राम राम। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते अभी जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान का नाम है मान सरोवर। इसका और एक नाम भी बोलते हैं, राधा रानी। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। इस स्थान का नाम भी राधा रानी है। राधा रानी क्यों कहते हैं? कहते जो जो ब्रज की जो ईश्वरी है ना, वो श्रीमती राधा रानी। और यहाँ पर विशेष करके राधा रानी की विशेष विशेष वैशिष्टता यहाँ पर प्रकाश हुई है, इसलिए ये स्थान का नाम राधा रानी। हमारे उत्तम कृष्ण प्रभु जी बहुत एक जो भजन उन्होंने गाए, वो बड़े छांट छांट करके वो बड़े सुंदर उन्होंने भजन गाए हैं। वास्तव रूप में रूपानुगत कहते हैं किसको, ये रूपानुगत। तो हम लोग अगर कोई हमें पूछे भैया तुम्हारी परिचय क्या है, हम कहते ना हमारी ये गोत्र हमारी ये परिचय। लेकिन हमें अगर पूछा जाए तुम्हारा क्या परिचय है, हम लोग अपने आप को परिचय देते हैं, हम लोग रूपानुग गौड़ीय वैष्णव हैं। इसलिए हम श्री रूप गोस्वामी की धारा में हम लोग आए हैं। बोले ये रूपानुगत का क्या विशेष वैशिष्ट है, उत्तम प्रभु जी वो भजन को गा करके उन्होंने सुनाए, इसमें बताए। अगर राधा रानी अगर कृष्ण विरह में दुखी, कहते भैया हम ये चीज को सहन नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कृष्ण राधा रानी के दुख में कृष्ण दुखी बने, राधा रानी दुखी नहीं है। इसलिए यहाँ पर यही चीज स्थापित तो हुई है, कैसे श्री श्याम सुंदर कृष्ण विरह में विरहित तो हो करके कैसे राधा रानी के चरण में वहां पर बैठे। आप लोग वहां मंदिर देखे होंगे, जब हमारे भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज और भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज आते थे ना, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जान बुझ करके उन्होंने कृष्ण का पक्ष ले लेते थे हैं। और हमारे जो महाराज जी वो राधा रानी के पक्ष लेते थे। और कभी कभी हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज हमारे नारायण गोस्वामी महाराज से कथा सुनने के लिए, राधा रानी की महिमा को समझने के लिए ना, कभी कभी खोंचा मारते थे, खोंचा समझते उनको कभी उस्काया करते थे, कभी कभी उन्हें छेड़ते थे। हाँ छेड़ते थे, और छेड़ देते थे फिर महाराज की तो फिर जोश आ जाता था, ए फिर राधा रानी। हमारे महाराज जी कितने राधा रानी के कितने श्लोकों को उत्थापित करते हुए स्थापन करते थे। अब यहाँ जब आते थे हम लोग, वहां पर एक मंदिर देखे होंगे, देखे हो मंदिर कैसे, हमारे जो नारायण गोस्वामी महाराज बोले, बोले क्यों आप तो खूब कृष्ण कृष्ण बोलते हो, देखो ये कृष्ण क्या कर रहे हैं देख रहे हो, हमारे किशोर जी के चरण में बैठे हुए हैं। इसलिए कभी कभी गुरुदेव कहते थे, बोलो तो, बोले सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवाई, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवाई। इसलिए
सुंदर बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, बनवारी कृष्ण कौन है? राधा रानी गुलाम है। इसलिए इस स्थान से रूपानुगत्व को विशेष विशेष करके यहाँ पर स्थापन करते हैं। ये स्थान का नाम है मानसरोवर। कहते इसका नाम मानसरोवर क्यों नाम पड़ा? जब कृष्ण वृंदावन में बंसी बटुक नीचे कृष्ण जब रास कर रहे थे, रास करते समय रूप गोस्वामी वर्णना करते हैं, एक समय से राधा रानी बड़ी सुंदर एक फूल की माला बनाई। कल किस चीज की फूल की माला? बोले बिना धागा के। ऐसे कुछ फूल है वो जो बिना धागा के भी वो माला बन सकती है। राधा रानी बना करके उन्होंने श्री श्याम सुंदर को गला में पहनाई। पहनाने पर श्याम सुंदर ने देखा अगर गले में अगर माला हो फिर राधा रानी से मिलने के लिए मान लो ये माला बीच में बाधा है। श्याम सुंदर गले की माला को लेकर के एक पेड़ को ऊपर में उन्हें टांग दिया तो इतने में एक जो सुख है जो तोता वो श्याम सुंदर की माला को देख करके अपना चोंच में पकड़े और ये उड़ते हुए जा रहे थे। जाते समय इतने में चंद्रावली देखा, बोले ये तो श्याम सुंदर का ये प्रसाद माला है। तो उन्होंने अनार दाना की लोभ दिखा करके बोले इधर आओ तोता तेरे को हम अनार की दाना खिलाएंगे, और लोभ दिखा करके उनसे उन्होंने माला को ले ली और ले करके अपना चोटी में बड़े सुंदर रूप में उन्होंने श्रृंगार की। थोड़ी देरी बाद में ललिता सखी क्या देखती है जो माला को राधा रानी बना करके श्याम सुंदर को पहनाए और ये माला ये चंद्रावली की चोटी में कैसे चला गया। इतने में ललिता बोले देखो राधे लगता है श्री श्याम सुंदर को प्रेम करना आता ही नहीं। कहा तुम इतने प्रेम से माला बनाई लेकिन माला कहाँ पर? ये चंद्रावली। चंद्रावली कौन है? राधा रानी की एंटी बाकी पक्के है। इसलिए बोले इनको कैसे माला चली गई। इतने में राधा रानी तो मान करी। कभी कभी श्याम सुंदर कभी मानो चंद्रावली के गले में गलवेनिया दे करके कभी उन्होंने कभी नृत्य करते हुए देख कर कभी कभी राधा रानी मान करती है। जब मान करके राधा रानी यहीं पर आ गई, आ करके ये जो सरोवर आप लोग दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी कृष्ण विरह में मान में इतने आंखों से आंसू निकली, ये पूरा के पूरा ये सरोवर बन गया जिसका नाम पड़ गया मान सरोवर नाम पड़ गया। इसलिए कोई कोई प्रश्न करते हैं बोले आंसू 1 किलो बह सकता है, 2 किलो, 10 किलो, इससे कभी ज्यादा कभी आंखों से आंसू निकल सकती है थोड़ी? बोले ये सरोवर कैसे भर गया? बोले ये हम लोगों के लिए ये असंभव, राधा रानी के लिए असंभव नहीं। इसलिए चैतन्य भागवत में आता है जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं राधा भाव में विभावित होकर जब नृत्य करते थे, महाप्रभु को आंखों से इतने आंसू बहता था, आसपास में लोग भीग जाते थे, और महाप्रभु जहाँ पर नृत्य करते थे वहां पर खींच खींच हो जाता था, इतने आंसू बहता था, क्योंकि जो राधा रानी वो साधारण नहीं है। कहते वैदिक दि सिंधुर अनुरागिक सिंधु वात्सल्य सिंधु रति सांद्र कृपायिक सिंधु श्री राधिके स्फुरत में हृदकेल सिंधु। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं राधा रानी कौन है जिसे सप्त समुद्र है, लवण समुद्र, इकु समुद्र और मधु की समुद्र, ऐसे ही राधा रानी के अंदर में सारे समुद्र विद्यमान। ये राधा रानी के लिए कोई असंभव बात नहीं। इसलिए यहीं पर राधा रानी उन्होंने मान करके बैठी हुई थी। कहते भैया जो मान है रूप गोस्वामी उज्जवल निर्मल ग्रंथ में वर्णना करते हैं, मायरा मान करे कर बैठते मान करे, माता ही मान करती हो, कौन कौन मान किए कभी? सभी लोग कभी ना कभी मान किए हो, लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं ये स्त्रियां कम मान करती हैं, तब भी ये मान करती हैं जब उनको पता चले जब तक पति हमें नहीं बनाएगा तब तो उसको काम नहीं बन सकता है, तभी तो स्त्री मान करती है ना। अगर ऐसे पति हो मान करती धड़ाधड़ मानना शुरू कर दे डंडा, देखो उसको पति कभी भी वो उसकी पत्नी कभी मान नहीं करेगी, जानते डंडा पड़ेगा। लेकिन पत्नियां तभी मान करती हैं जब ये बिना मनाए ये रह नहीं सकता, इनके काम नहीं चल सकता है, तभी स्त्रियां मान करती हैं। इसलिए जब मान करती है राधा रानी मान करती है, उसको पता कृष्ण को मेरे भक्त चलेगा नहीं, तभी राधा रानी मान करती है। ये जो मान है कहती है दो तरह का मान है,
कहते कि अहेतु की मान और एक सहेतु की मान। जब बिना कारण की वो मान करती है, बोले ये बिना कारण से क्यों मान करती है, बोले कारण है क्या, बोले कारण है ये जो मान है ना, कहते हैं न तथा विप्रलम्भेन संभोग पुरुषी मस्मते। रूप गोस्वामी कहते हैं, कहते न तथा विप्रलम्भ, जब तक विरह रस नहीं होना तब तक मान खैर तब तक ये मिलन रस पुष्ट नहीं होता है। जैसे कभी कभी माताएं मान करती हो, दो दिन तक हो गया बात नहीं हुआ पति को साथ में, अब देखना जब फिर मान उतर जाती है ना, फिर उस कथा में और एक अलग आनंद आता है, आता है कि नहीं संसार में, इसलिए फिर एक अलग आनंद। जो मान है कहते ये बीच में ये रस को पुष्टि करने वाली ये मान तभी पुष्टि करती है, ये मान है। इसलिए कहते ये बिना कारण की जो मान होती है, कहते एक मान होता है सहितु की, सहितु की मान उसे कहते हैं, कहते जिस कारण को लेकर के मान होती है, ये किसी कारण को लेकर के मान होती है। जो मान है ये मत समझो, यद्यपि ये जो संसार में जो मान है, कहते देखना वो अपराकृत दिव्य गोलोक वृंदावन का ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। जैसे आप कथा सुन रहे हो, मान की कथा सुनकर के माता थोड़ा खुश हो रही है, बोले हाँ बात तो सही है, हैं क्यों, अगर ये संपूर्ण दिव्य होता है ना, हमारे पल्ले में कुछ पड़ता नहीं, ये क्या चीज मान होती। इसलिए कभी ये अपराकृत दिव्य जगत का जो प्रतिछवि इस जगत में दिखाई पड़ता है, इसलिए हम कुछ अनुमान कर लेते हैं हाँ मान मतलब क्या होता है। लेकिन जो मान है ना, कभी एक प्रेम विषय से है, ये एक प्रेम विषय से है। जैसे जब यही प्रेम बढ़ते बढ़ते श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्त रुचि निष्ठा आसक्ति भाव प्रेम, कहते यही प्रेम ही जब घनीभूत अवस्था धारण करता है, जैसे दूध को जैसे गर्म करना, गर्म करते 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 जैसे राबड़ी बन जाती है, उसी तरह यही प्रेम ही जब ये घनीभूत अवस्था को प्राप्त करता है, स्नेह मान प्रणय, स्नेह मान तभी ये मान हुई है, हैं तभी ये मान आई है। लेकिन अपराकृत जगत में क्या करता है, ये प्रेम को बढ़ाने वाली होता है, लेकिन इसी जगत में तो प्रेम को बढ़ाती है। लेकिन आप लोग देखना, जैसे पत्नी किसी कारण से मान की, अब देखना अगर पति अगर टाइम से नहीं मनाता है ना पत्नी को, क्या होता है वो मान क्रोध में परिणत होता है, कभी कभी इतने क्रोध में परिणत हो जाता है ना, आई लव यू आई लीव यू फिर आई किल यू, फिर जाकर के ये मान कोर्ट तक चली जाती है, फिर डाइवोर्स का कारण आ जाती है। ये मान संसार में जो मान है वो टूटने का कारण आ जाती है अगर पति टाइम से नहीं मनाए, लेकिन वो अपराकृत जगत में ऐसे नहीं, वो अपराकृत जगत में जो मान है वो प्रेम को बढ़ाने वाले की चीज मान है। इसलिए ये मान को बताए हैं, जो मान को बताए, जो मान कहते ये जो सहितु की जब कारणों को लेकर होता है, कहते ये मान भी रूप गोस्वामी कहते ये भी तीन तरह का मान है, हैं कहते एक देख करके, एक सुन करके और एक अनुमान करके, ये तीन तरह का मान होती है। हम कोशिश करेंगे एक मान को बताने के लिए, इसलिए अनुमान करके, अनुमान मतलब होता है अनुमान लगा करके, बस सुन करके बाद देख करके, देख करके जैसे यहाँ पर राधा रानी ने क्या देखा, मैंने जो माला बनाई वो माला कहाँ पर चली गई, चंद्रावल को मान हो गई, यहाँ आ गई। फिर कभी कभी मान होता है जैसे राधा रानी की, कहते तीन सुख है, एक है विचक्षण सुख, एक सुभा सुख और एक है, एक होता है सुभा विचक्षण और एक है मंजुभासी, कहते ये तीन तरह का सुख, ये अलग अलग समय पर अलग अलग काम करती है। कभी कभी राधा रानी ये सुख पति को कह देती है, देखो आज मैं यहीं पर कुंज बनाऊंगी, श्याम सुंदर को बोल देना हम दोनों यहीं पर मिलेंगे। कभी कभी कृष्ण भी भेजते हैं सुख को राधा रानी के पास में, कभी श्री किशोर जी यहीं पर उन्होंने सुंदर कृष्ण के लिए उन्होंने कुंज बनाए और कुंज बना करके ये तोते को बोले जाओ श्याम सुंदर को बोल देना आज राधा रानी यहीं पर उन्होंने कुंज बनाई। अभी कृष्ण कहाँ पर आए, गैया चराते चराते कृष्ण आए कुसुम सरोवर पर, कुसुम सरोवर पर आने पर राधा रानी क्या कहती है वृंदा जी को, राधा रानी के हाथ की बनाया हुआ एक पान की बिड़िया और दो चंपक फूल जो कान में कुंडल, और राधा रानी अपना हाथों से बनाया हुआ एक सुंदर फूलों की माला भेज देती है श्याम सुंदर को देने के लिए। अभी श्याम सुंदर इसको देख करके चंपक पुष्प को देखे, राधा रानी के शरीर का अंग कैसे है और चंपक पुष्प जैसे रंग है, इसलिए इसको देख करके राधा कृष्ण को अंदर में राधा से मिलने का उत्कंठा जग जाती है। और जो तांबुल राधा रानी के बनाया हुआ माला भी राधा रानी की मलाया हुआ प्रेम की,
कृष्ण इसको प्राप्त करते ही कृष्ण तो उन्माद हो जाते हैं श्री राधा रानी से मिलने के लिए, और वहां पर बहाना बनाते हैं, आज मेरा कोई निमंत्रण है, आज मैं किसी निमंत्रण में जा रहा हूँ। लेकर कभी उन्होंने प्रिय नर्म सखाओं के साथ में, तभी अकेले कृष्ण अभी अकेले आए, जब आए किस लिए, यहीं पर राधा रानी से मिलने के लिए आए। जब आए इतने में चंद्रावली भी कुंज बनाकर बैठी हुई है, वो भी सोच रही है श्याम सुंदर मेरे पास में आएंगे। उनका जो सखी कहते जो सभ्या उस ढूंढ रही है, श्याम सुंदर तो आए लेकिन कहीं है, ऐसे कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। उनका काम श्याम सुंदर से मिलाने का, श्याम सुंदर के साथ में। इतने में कृष्ण को देख करके बोले, देखो चंद्रावली भी तुम्हारे लिए सुंदर कुंज बना करके बैठी हुई है। कृष्ण तो बहाना बना रहे थे मेरा कहीं निमंत्रण जाने के लिए। इतने में चंद्रावली आ गई, बोले सारे बात मेरे को पता है, आप कहाँ जाने वाले हो। अरे पकड़ कर कृष्ण को जोर जबरदस्ती ले गई। जब ले गई इतने में वो तोता राधा रानी की प्रिया सुख श्री वृषभानु जाया पवित्र चंचो प्रिय चुंबनीना एकांतक नन्न रहस्य पाठी निकुंज प्रसाद सीता निवासी। जो राधा रानी की निकुंज महल में रहने वाले राधा रानी जी को कभी कभी चुंबन करती थी, और राधा रानी की सारे लीला को दर्शन करने वाले कौन है, कहते ये तोता ने जब देखा बीच में तो श्याम सुंदर कहीं अपहरण हो गए। वो आकर के राधा रानी को कहते, बोले हे राधे आज तुमने जो सुंदर कुंज बनाया ये वृथा हो गया, तुमने जो श्रृंगार की श्याम सुंदर से मिलने के लिए, सारे श्रृंगार तुम्हारी बेकार हो गया। बोले क्यों, बोले कृष्ण बीच में किडनैप हो गए। बोले किडनैप हो गए, बोले किसने किडनैप करवाए, बोले ये चंद्रावली ने बीच में लेकर के चली गई। बस इतने में तो राधा रानी एकदम दुर्जय मान कर लेती है, ऐसे कठोर मान करती है। और जब श्याम सुंदर मिल करके आए, बड़े देर में आए तो इतने में राधा रानी पूछी, इतने देर क्यों हो गया, आप इतना लेट में क्यों आए। देखो कृष्ण कैसे झूठ मूठ का बहाना बनाते हैं। बोले राधा रानी का प्रेम कैसे है, जिस प्रेम में कृष्ण कितने बसीभूत चीज को दिखा रहे हैं। बोले देखो राधे में तो जल्दी जल्दी आ रहा था, लेकिन देखा है कि तमाल वृक्ष देखो पीछे है, कहते एक तमाल वृक्ष, कृष्ण जैसे काले है ना, देखो तमाल वृक्ष भी काले है, हाँ देखो ये तमाल वृक्ष है, इसलिए मैंने देखा इसी वृक्षों के ऊपर में एक लता चढ़ा हुई, वो जो लता वो माधवी लता थी, उसके पेड़ पर चढ़ी। लता कौन है, राधा रानी स्वरूपिणी है, ये तमाल कृष्ण। अभी उसको मैंने जब देखा है ना, और तेरे और मेरे मिलन की स्मरण आया तो मैंने बेहोश हो गया था। इतना बोलते राधा रानी तो सब जानती है क्या हुआ गड़बड़ी। राधा रानी बोले झूठ लवार, तुमने इतना झूठ बोलते हो है, चंद्रावली को पास में जाकर झूठ बोलते हो, हम ऐसे देखकर बेहोश हो गए। अभी उनसे मिला था प्यार में क्या सिंदूर लगा हुआ था, बोले सिंदूर कहां से आ गया, बोले जल्दी जल्दी आ रहा था ना, वो कांटा फूट गया इसलिए खून निकल गया। बोले खून निकल गया लेकिन ये सिंदूर लगा हुआ था पैर में। इतने में राधा रानी तो ऐसे मान की, बोले ये धूर्त को निकाल दो यहाँ से, जैसे ये जैसे हमारे अंदर में जैसे आ नहीं सके, इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, जत किं करिषु बहु सौ खलु काकु वाणी नित्यं परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदा रसनिधे वृषभानु जाया तत केली कुंज भवनांग निमार्जन स्या। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं, बोले जिस कुंज में राधा रानी मान करके बैठी हुई श्याम सुंदर राधा रानी से मिलना चाह रही हैं, राधा रानी बोली कोई काले चीज अंदर में नहीं आनी चाहिए, ये जो भुरु जो काली है ना उसमें चंदन लगा दो, सफेद कर दो, जो छोटी काली सुंदरी फूलों का माला से उसको ढक दो, आज मैं किसी काले चीज को देखना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर कहते हैं कृष्ण जाकर के उनकी सखी मंजरियों के पास में श्याम सुंदर हाथ जोड़ करके हाँ खाते हुए हमें श्री श्री किशोर जी से मिलाओ, लेकिन अंदर में घुसने नहीं दिया। अभी श्याम सुंदर इतने दुखी हो गए। इतने में वो ललिता सखी को पास में जाते, बोले ललिते बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए। लेकिन सखियों का काम किया, कहते हैं ना जय जय राधा कृष्ण जो गला मिलाना आरती कराए लाली शादी सखी गाना। इसलिए ये सखियों का काम जुगल मिलन ही इनका जीवन है। अभी ललिता भी सोच रही है श्याम सुंदर, राधा रानी भी मान करके बैठी हुई, क्यों राधा रानी कब संतुष्ट होगी, जब श्याम सुंदर से मिलेगी।
श्याम सुंदर कब संतुष्ट होंगे, जब राधा कृष्ण का मिलन होगी। ये सखियों का यही काम है, ये जुगल को मिलन, इनको जुगल मिलन में जो आनंद है, ये डायरेक्ट कृष्ण के साथ में कभी कभी मिल तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी मिलना नहीं चाहते। कारण है ये जुगल मिलन में जो आनंद है, इसी से ही राधा कृष्ण को, जो कृष्ण के अंदर में तो आनंद है ही है, लेकिन राधा कृष्ण जो मिलन होते हैं, इनके अंदर में सारे आनंद, सारे अपने आप इनके अंदर में आनंद प्रकाश पाता है। इसी में ही ये संपूर्ण रूप में प्रसन्न रहते हैं। अभी ललिता भी दुखी, राधा रानी बड़ी दुखी सी। इतने में श्याम सुंदर बोले, ललिते बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए। बोले एक काम करो, आप ये कृष्ण रूप को त्याग दो और गंधर्व रूप धारण करो, अब बड़ी सुंदर राग रागिन के गाओ। हे कृष्ण क्या उन्हें राग गाए, ऐसे राग गाए वृक्ष से मधु झरना प्रारंभ हो गया, पत्थर जो था द्रवीभूत होकर पानी होना शुरू हो गया, पिघलना शुरू हो गया, पानी बर्फ होना शुरू कर दिया, अब्रह्म स्तंभ को तुम स्तब्धभूत कर दिया। इतने में श्याम सुंदर बोले, ललिते इतने सुंदर राग रागिन में कौन गा रहा है, जिसको सुन करके मेरे हृदय द्रवीभूत हो रहा है। बोले राधे, स्वर्ग से कोई ऐसी गंधर्वणी आई है। बोले गंधर्वणी आई? बोले हाँ। बोले वो क्या कहती है? कहते मैं जिसकी चरण की सेवा करता हूँ, जिसको मैं श्रृंगार करता हूँ, हृदय की सारे दुख इसको दूर हो जाती है। बोले उसको ले आओ अंदर में। इतने में उनको ले करके आए। जब ले करके आए, इतने में श्याम सुंदर होता और कोई नहीं, जब उन्होंने राधा रानी की चरण की सेवा की और उनका शरीर का श्रृंगार की और इनकी बोली सुन करके कृष्ण की, लेकिन राधा रानी का मान कब दूर होगी? कृष्ण के बगैर इनका मान कहीं दूर होने वाले नहीं, लेकिन वो अंदर में आते ही कृष्ण का शरीर का जो सुगंध थी, वो अपने आप उनको मिलन बोलने पर मान तो अपने आप उतर गया, सारे हृदय उनकी ठंडा हो गई, सब ठंडा हो गई। बोले ललिते ये बताओ, इसका बात सुनकर के मेरे को इतना आनंद क्यों आता है? क्योंकि कृष्ण के बगैर उनका राधा जी के हृदय को कोई संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, इसे आनंद क्यों? इसका हाथ स्पर्श से मेरे हृदय के सारे व्यथा कैसे दूर हो गए? बोले हे ईश्वरी जो, ये और कोई नहीं, ये श्याम सुंदर तेरे को मनाने के लिए यहाँ पर ये गंधर्वणी रूप धारण किया है। इतने में राधा रानी बहाना बनाती है, बोले देखो देखो तुम इतने मैला कपड़ा पहनी हुई, हम जो राज घराने की लड़कियां हैं, देखो कितने सुंदर हमारे कपड़ा, इसलिए ये मैला कपड़ा को त्याग दो और तुम नए कपड़ा धारण कर लो। बोले नहीं कृष्ण जान, भाड़ फूट जाएगा हैं सारे रहस्य पर। बोले नहीं मैं यही कपड़ा पहनूंगी। बोले लड़कियों के अंदर में लड़की कोई शर्म करती है कपड़ा बदलने में? ये तो जोर जबरदस्ती किया कि है उनका सर का जो सुंदर ना फट उनको निकाल दिया। जब निकाल दिया ना, यहाँ पर देखा कौन है? श्री श्याम सुंदर है यहाँ पर, इसलिए फिर राधा कृष्ण की यहाँ पर उनकी मिलन हुई है। इसलिए गुरुदेव जब यहाँ पर आया करते थे, गुरुदेव जी उधर जो एक जंगल चार तरफ में घेर लिया ना, गुरुदेव वहीं बैठा करते थे। अब देखना गुरुदेव कहते थे, साधारण रूप में वृक्षों को देखना वो सीधा होता है, लेकिन वो वृक्षों को देखना वो सीधा नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी है। गुरुदेव कहते थे टेढ़ी मेढ़ी क्यों? बोले राधा रानी यहाँ पर मान की ना है, और मान जो होता है मान कुटिल गति होती है, इसलिए मानो राधा जी की भाव में विभाव भी तो ये वृक्ष भी है, ये वृक्ष भी टेढ़े बने हुए। अब देखना वृक्षों का सीधा ऊपर होते हैं, लेकिन वो वृक्षों को देखना वो सीधा नहीं, जैसे कोई हम लोग जैसे प्रणाम करते हैं ना, साष्टांग दंडवत करते हैं, देखना वो वृक्ष भी एकदम दंडवत किए हुए। बोले क्यों? बोले ये वृक्ष कोई साधारण नहीं, कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। गुरुदेव कहते थे ये कोई वृक्ष नहीं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग यहाँ पर वृक्ष रूप में यहाँ पर राधा जी की कृपा पाने के लिए यहाँ पर सबके सब यहाँ भजन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग गुरु वैष्णव की अनुगत्य में यह मान सरोवर में आए, लेकिन ये कथा सुन करके आपको लगता है जैसे हम भी मान करते हैं, राधा रानी भी ऐसे मान करती है। हाँ ऐसे मान करती है, लेकिन अभी प्रश्न राधा रानी मान क्यों करती है? कृष्ण इतने मनाने के लिए क्यों कोशिश कर रहे हैं? फिर चंद्रावली को साथ में अगर कृष्ण मिले, फिर राधा रानी क्यों मान होती है? इनका नाम राधा है ना, राधा मतलब क्या? बोले कृष्णम कृष्णन आराध्यते इति राधा, जो कृष्ण को आराधना करती है वो राधा है। अगर राधा रानी को प्रसन्न होनी चाहिए, कोई बात नहीं, अगर कृष्ण को और अगर कोई सुख देते हैं तो राधा रानी को खुश होनी चाहिए ना, पर ये नाराज क्यों होती है? इसलिए वो नाराज होती है, कारण है, लगता है जैसे इनके अंदर में ईर्ष्या द्वेष
हमारे जैसे हमारे पति अगर कोई अगर किसी लड़की से मिल जाए, जैसे स्त्रियां एकदम मान कर लाती हैं, ऐसे राधा रानी मान करती है। बोले नहीं, राधा रानी को पता है अगर संपूर्ण रूप में कृष्ण इंद्रिय को संपूर्ण रूप में अगर कोई तृप्ति बस संपूर्ण रूप में कोई आनंद दे सकता मैं और कोई नहीं। इसलिए जिस समय रासलीला हो रही थी, जब राधा रानी चली गई ना, रास खत्म हो गई। बोले क्यों खत्म हो गई? मतलब राशेश्वरी श्रीमती राधा रानी चली गई, क्योंकि राधा जी जितने आनंद दे सकती हैं, वहां पर सत करोड़ गोपियां भी इतने आनंद कृष्ण को दे नहीं सकती हैं। इसलिए राधा रानी के अंदर में जो मान दिखती है वो ईर्षा द्वेष रूप में दिखती है, लेकिन तत्वतः ईर्षा द्वेष नहीं, ये एक प्रेम विशेष है। इसलिए हम लोग यहाँ पर गुरु जी के अनुगत्य में आए, यहाँ प्रणाम करे, यहाँ दिव्य धाम है, राधा कृष्ण की बहुत सारे लीला यहाँ पर हुई है, और ये जो धूल है संपूर्ण लीला युक्त धूल है, यहाँ का धूल समस्त इच्छाओं को ये पूरी कर सकते हैं। इसलिए ये धूल भी हमारी इच्छाओं को पूरी करे, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में कभी ना कभी श्री जुगल सरकार की सेवा अगर जीवन में प्राप्त हो तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। वर्षा गुरु सर्वभक्त कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण जोड़ू दिए दिन तो जोड़े श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकारी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। भजामि राधम अरविंद नेत्रम स्मरामि राधम मधुरस्मितासम वदामि राधम करुणाभरद्रम ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आमि सर्वप्रथम अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज सपरिकर प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर এবং সমস্ত গুরুবর্গের শ্রীচরণে অনন্ত কোটি সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবত প্রণতি জ্ঞাপন করি। তদন্তন পূজ্যপাদ শ্রী জনার্দন মহারাজ, শ্রী বন মহারাজ, শ্রী 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 শ্রীধর মহারাজ, অরণ্য ত্রিদণ্ডী পাদগণ, বৈষ্ণব বৈষ্ণবীগণ, গৌরতপ্রাণ সজ্জনবৃন্দ, হরিকথা পিপাসু শত্রুবৃন্দ এবং মাতৃমণ্ডলীকে যথাযোগ্য প্রণাম এবং সাদর অভিনন্দন। আপনারা এবং আমরা গুরু বৈষ্ণবের আনুগত্যে যে স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছি, এই স্থানের নাম মান সরোবর, কিন্তু এখানকার স্থানীয় লোক বলে রাধারানী। কেন? বৃন্দাবনে যখন কৃষ্ণ রাস করলেন, কৃষ্ণ হলেন খুব চতুর, সমস্ত গোপীগণকে বলতেন দেখো আমি তোমাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, কিন্তু কারো সামনে না, আলাদা আলাদা করে। রাধিকাকেও তাই বলতেন, বলতেন ভলি গোপী রাধে রাধে, রাধাজি এবং গোপী অত্যন্ত ভলি ভালি, ওই বিশ্বাস করতেন। রূপ গোস্বামী পাদ ভক্তি গোস্বামী সিন্ধুতে বলছেন, গোপীগণ কৃষ্ণকে বলছেন অঘরিপু যুগ্মি ভুয় নিত্য কুরুময়ৈব, হে অঘাসুরকে শত্রু তুম কেবল মেরে সাথ হি নিত্য করো। কৃষ্ণ তথাস্তু। শারদীয় রাসের সময় কৃষ্ণ কি করছেন? সমস্ত গোপীগণের সঙ্গে নৃত্য করছেন। যদ্যপি চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে বহুবিধ মূর্তি জয়ছে হইল রাসে, বলছেন কি
কৃষ্ণ কি করেছেন, রাসে অনেক মূর্তি ধারণ করেছেন, কিন্তু রূপ গোস্বামী বলছেন না, কৃষ্ণের যতগুলো আপনার আছে ক্ষিপ্রতা, এত ফাস্ট উনি নৃত্য করছেন, মনে হচ্ছে যেন অনেক কৃষ্ণ, কিন্তু কেউ বুঝতে পারছেন না। তো কবিরাজ গোস্বামী কেন এরকম বললেন, উনি কি রূপ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত জানতেন না, কেন বললেন? পরবর্তীকালে আমাদের আমার মতো অজ্ঞ ব্যক্তি যদি বুঝতে না পারে, কোনো সন্দেহ না হয়, যেন দেখালেন যে ছিলেন কৃষ্ণ একটাই, পরবর্তীকালে চিন্তা করে উনি এভাবে দেখিয়েছেন, এভাবে গুরুদেব বলছেন, যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম দাদা কেউ বুঝতে পারছেন না। গোপীগণের সৌভাগ্য মদ, ও আমার চার কেউ সৌভাগ্যবতী নাই। আর রাধিকা বলেন, দেখো তো মক্কার বদমাস লম্পট, আমার সঙ্গে যেমন ব্যবহার সকলের সঙ্গে সেই ব্যবহার। রাধানীর মনে বাম্য ভাব এলো, না আমি সকলের বরাবরই নই। উনি কি করলেন, রাস ছেড়ে চলে গেলেন। যখন রাস কৃষ্ণ রাধারানী নেই, রাস কার জন্য বলছে, তুহু লাগি মোর ব্রজবাস, তুহু লাগি বৃন্দাবন বাস, তুহু লাগি রাস, যাব রাধিকাই নাই কার জন্য রাস, কার জন্য ব্রজবাস। কৃষ্ণ ওখান থেকে উনি অন্তর্ধান করলেন। ব্রজগোপীগণ সকলেই কৃষ্ণকে খুঁজছেন, কোথায় শ্যাম সুন্দর, কোথায় শ্যাম সুন্দর। খুঁজতে খুঁজতে এখন চরণচিহ্ন দেখতে পেল কৃষ্ণের, কৃষ্ণের চরণচিহ্নের মাঝখানে একটু ছোট চরণচিহ্ন, বুঝতে পারলেন কোন ওনার সঙ্গে নারী আছে। ললিতা বিশাখা সবসময় রাধা কৃষ্ণের সেবা করেন, ওনার রাধানীর চরণচিহ্ন যেন খুব খুশি হয়েছেন। অন্যান্য গোপীগণ বলছেন, অনয়া রাধিত নূনম ভগবান হরিশ্বর ইয়ন্ন বিহায় গোবিন্দ প্রীত যামনয়দ্রহ। নিশ্চিতই যে নারী, উনি নারায়ণের অনেক সেবা করেছে, যার জন্য কৃষ্ণ আমাদেরকে ত্যাগ করে ওনাকে নিয়ে গেছেন। আর এখানে ললিতা বিশাখা সকলে অবহিতা করে, অবহিতা অর্থাৎ মনের ভাবকে গোপন করে ওই শ্লোক বলছেন, কিন্তু মনে মনে খুব আনন্দ। আমাদের বৃন্দাবনে যেখানে রূপ সনাতন মঠ, ওখানে দান গলি, মান গলি, কুঞ্জ গলি, যমুনা গলি, ওই গলি হয়ে রাধিকা কি করছেন, এসে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। এই মান করে মানে করার জন্য উনি দুঃখী হয়েছেন, ওনার আখ থেকে ওনার নয়ন থেকে অশ্রু বিসর্জিত হয়েছে, ওর ফলে এই কুণ্ড হওয়ার জন্য নাম মান সরোবর। পূর্বকালে আমরা 84-এ আর্লি 80-তে যখন আমরা এখানে পরিক্রমা করতাম গুরুদেবের সঙ্গে, বৃন্দাবন থেকে আমরা বেলবন এবং বেলবন থেকে মানসরোবর, আবার এখান থেকে হেঁটে হেঁটেই বৃন্দাবন ফিরে যেতাম। তো রূপ সনাতন মঠ ছিল না, কখনো আমরা বাসস্ট্যান্ডের পাশে শ্রী চৈতন্য গৌরী মঠে থেকেছি, কখনো মুঙ্গের রাজবাড়িতে, বিভিন্ন জায়গায়। ওখান থেকে হেঁটে আমরা আসতাম বেলবন, বেলবন থেকে মানসরোবর, আবার মানুষ হেঁটে হেঁটে যেতাম। যেখানে আপনারা কুঞ্জ দেখেছেন, আগে ওর ভিতরে বসে হরি কথা হতো। কুঞ্জ এরকম টেড়ামেড়া কেন? শ্রীকৃষ্ণ ত্রিবক্র, আমাদের দাস গোস্বামী বলছেন কি, রাধিকা হলেন অষ্টবক্র, বাচি কুচৌ, এসে যখন যাব সন্ধ্যাবেলায় বলে দেবো শ্লোক, রাধারানী অষ্টবক্রা। এই জন্য রাধাভাবে বিভাবিত হয়ে এই সমস্ত কুঞ্জের বৃক্ষগুলিও ওই রকম। রাধারানী মান করেছেন, মানটা কি, মহাভাগের মহাভাবের সবচেয়ে স্মল ফ্র্যাকশন হচ্ছে শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা ধীরে বাড়তে বাড়তে প্রেম, প্রেম কাকে বলা হচ্ছে, সর্বথা ধ্বংস রহিত ইয়দ্যপি ধ্বংস কারণে ইয়দ্ভাব বন্ধন যিনো সপ্রেমা পরিকীর্তিতা, সর্বথা ধ্বংস রহিত ইয়দ্যপি ধ্বংস কারণে। সবসময় যদি যুবক যুবতী মিলে, ওখানে প্রাকৃত যুবক যুবতী ধ্বংস থাকবেই, কিন্তু কৃষ্ণ অপ্রাকৃত নায়ক, রাধিকা এবং গোপীগণ অপ্রাকৃত নায়িকা, ধ্বংস থাকলেও কখনো ধ্বংস নয়, সর্বদা ধ্বংস রহিতং ইয়দ্যপি যদ্ভাব বন্ধনং যুনো। এই ভাবের দ্বারা যখন যুবক যুবতী মিলিত হয় তাকে বলা হয় প্রেম, এটা কেবল কৃষ্ণে এবং গোপীগণের সম্ভব। এই যখন এখানে কৃষ্ণ কি করছেন, আসছেন মানানোর জন্য, জানেন না কোথায় গেছেন। এই মান আবার কি, কখনো প্রেম স্নেহ মান, কখনো মান আগে স্নেহ পরে, কখনো স্নেহ আগে মান পরে। এই মান আবার তিন প্রকার, দৃষ্ট শ্রুত অনুমানিত, কখনো দেখে। আর এই মান আবার দুই প্রকার, অহৈতুকী এবং সহৈতুকী।
যদি কোনো কারণের দ্বারা মান হয় তাকে বলা হয় সহৈতুকী মান, বিনা কারণের মানকে বলা হয় অহৈতুকী। জৈসে রাধা কৃষ্ণ বৈঠে হুয়ে থে, অব পতা নি রাধা জি কা কেসে হো গিয়া, ও তুনক গই আর ভাগ যা রই হে, পের পিটতি হুই। কৃষ্ণ ক্যা হো গিয়া, কৃষ্ণ যোগ মায়া কো স্মরণ কিয়া, কুঞ্জ মে বৈঠে থে দোনো, আর যোগ মায়া ক্যা কিয়া, সর্প কা রূপ ধারণ করকে, আর দেখতে রাধিকা ডর গই, যাকে শ্যাম সুন্দর কো পকড় লিয়া। ये था अहैतुकी मान, इसलिए टूट गया। सहैतुकी मान जब कृष्ण कभी दूसरे नायिका के कुंज में जाते हैं तब वो दूसरे से सुन करके या अनुमान करके मान कर लेती है। जब फिर कृष्ण आते हैं अपर नायिका का चिन्ह देखकर, क्या चिन्ह है, जैसे पैर में आलता है, सिंदूर है, बोलते तुम नील रहित रुद्र हो, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं नील रहित रुद्र। এই অসহিতকে মানের জন্য কি বলছেন, হরি হরি যাহি যাহি কেশব যাহি মাধব মাবদ কৈতব বাদম মাবদ কৈতব বাদম। হরি তুমি চলে যাও, মাধব চলে যাও, কেশব চলে যাও, মাবদ কৈতব বাদম, বৃথা ঝগড়া করার প্রয়োজন নাই। এই অহৈতুকী মানে, সরি সহৈতুকী মানে কৃষ্ণের গুরুদেব বলতেন পসিনা ছুট যাতা হ্যাঁ মান তোড়নে কে লিয়ে, এদের আসার নেই। আর যব সহিতকী মান, ওই রাধিকে এত গম্ভীর হয়ে যান কোনো কিছুতেই মানাতে পারেন না। কোন সময় আমাদের পূর্বাচার্য রূপ গোস্বামী পাদ, যিনি রূপমঞ্জরী, তিনি রাধিকার খুব সেবা করার জন্য বলছেন কি, রাধিকা বলছেন দেখ রূপমঞ্জরী তোর ব্যবহারে তোর সেবাতে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি, আমি আমার রাজপোশাক একসেপ্ট তোকে দিতে চাই। রূপঞ্জ না আমার চাই না, রূপানুগ বিচারধারা এখানে দেখাচ্ছেন কেন, আমার একটা একটা টুকরো কাপড়ের জন্য সখীগণ লালায়িত হয়, তুই নিচ্ছিস না কেন, তুই কি পাগল হয়েছিস, না আমার পাগল নেই চাই না, কে চাইয়ে তুঝে বতায়ে, করুণানমুহুর অর্থে বৃন্দাবন চক্রবর্তিনী অঘরি পুষচাটু প্রার্থনা ভজনম কুরু। হে বৃন্দাবনেশ্বরী, তুম সব কুছ দে সকতি হো, যে সচমুচ তুম মেরে সেবায় প্রসন্ন হো, মুঝে এক বর চাহিয়ে, ক্যা বর চাহিয়ে, অঘরি পুষচাটু প্রার্থনা ভজনম কুরু, জব অঘরি পু তুমি মানানে কে লিয়ে আয়েঙ্গে, পহলে মুঝে অনুনয় বিনয় করে, মে জানে দু তো যায় নেই তো নেহি, তথাস্তু। যেন মহারাজ বললেন না, ইয়ৎ কিং করিসু বহু সখ লোকাকু বাণী, ওইখানে সখীগণ মঞ্জরীগণ ওখানে কৃষ্ণকে রুখে দিচ্ছেন, যেতে পারবে না। তারপর দেখাচ্ছেন যখন কৃষ্ণ অন্য নায়িকার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তখন কি করে কৃষ্ণকে আনা যায়, তো তার দ্বারা সুখের দ্বারা খবর পেয়ে গেছেন। যেমন মহারাজ সুখের কথা বললেন না শারীর, তবে কৃষ্ণের সুখ আছে, তাদের নাম হলো সূক্ষ্মধি না দক্ষ এবং বিচক্ষণ। বলে দিয়েছে যে কৃষ্ণ সাবধান, রাধিকা জানতে পেরে গেছেন যে তুমি এখানে আছো, আর আমাদের গুরুবর্গের মঞ্জুরগণের কার্য কি, যেভাবে রাধা কৃষ্ণকে মিলন করানো, যে নিকুঞ্জ ইউন রতি কেলি সিদ্ধ ইয়া জালি ভিজিতের অপেক্ষা নিয়া তত্রাদি রাক্ষি বল্লভস্য বন্দে গুরুশ্রী চরণারবিন্দম। রাধিকা দেবী সূর্য পূজার বাহানায় কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হন সূর্যকুণ্ডে, চন্দ্রাবলী গৌরীকুণ্ডে গৌরী পূজার বাহানায় মিলিত হন, ওখানে কৃষ্ণ আছেন খবর পেয়ে গেছেন। কি করেন, রূপমঞ্জরী রতিমঞ্জরী রমণমঞ্জরী রাগমঞ্জরী সব মিটিং করে নিলেন, যে সকলে লুকিয়ে থাকলেন রূপমঞ্জরী গিয়েছেন ভিতরে। এটা কি নিকুঞ্জের জন্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন গুরুদেব, গিয়েছেন ওখানে গিয়ে বলছেন ব্রজ বাঁচাও ব্রজ বাঁচাও, কে রূপমঞ্জরী কাঁপতি কাঁপতি গির গই, মুখ মে ফেন নিকল হয়, কেসে ড্রামা এক্সপার্ট হয় দেখি। তব ক্যা কিয়া চন্দ্রাবলি সবাই, আর ক্যা ক্যা হুয়া, পানি দিয়া ইয়া ছিড়কাও কিয়া ঘোষায়া, ফির কাঁপনে লাগ গই, ব্রজ বাঁচাও ক্যা হো গিয়া, বহুত বড় অসুর আ গিয়া, বহুত বড় অসুর আ গিয়া, ইসকো যাও নি তো ব্রজ বাঁচেগা নি, কিধার অসুর হে বতা, মেই নি যাউঙ্গি। বলে দেখো অসুর কো পতা চল যায় তো মার ডালগা, মে নেই যাতি, চন্দ্র তুমি দূর সে দিখা দো না, হ্যাঁ ইতনা তো কর সকতি হুঁ,
तब जब निकल के आए, अब किधर दिखा रहे हैं, कृष्ण समझ गए। अब जय थोड़ा सा आए, हुइसल बजा दिया, चारों तरफ से मंजरिया घेर ली। कृष्ण तब बुझते पे तब सामान साधारण कथा ना, बोलते देखो रूप मंजरी मैं माफी मांगती हूँ। बोले माफी काफी नहीं, गले में डाला साफी, किशोरी के पास जाके मांगो माफी। ऐसे ले गए, ऐसे क्या है, ऐसे निकुंज अर्जुन मंजर जाके फिर मिलन कराया। अब महाराज जी बता रहे थे, जब कृष्ण वंशी वादन करते हैं या हमारे वस्त्र लिखते हैं, क्या होता है, जमुना का धारा अवरुद्ध हो जाता है और ये पेड़ से मधु झड़ता है, पत्थर पिघल जाता है। क्या ना है रकम कृष्ण वंशी वादन कर ले की है, एक थे पाथर थे मधु झड़े और पाथर गले जाए। बोलचन वृंदावने बंसी के बजाइला, वृंदावने बंसी के बजाइला, एक राधा राधा नमो गाइला, एक राधा राधा नमो गाइला, वृंदावने वृंदावने बंसी के बजाइला। पत्थर होइला पानी जमुना भये उजानी, झरो झरो मकरंद बइला, झरो झरो मकरंद बइला, वृंदावने वृंदावने बंसी के बजाइला।